कंचन टीवी की टीम अब पहुंची है नगर पालिका प्रधान सेवाराम सैनी के पास। वार्ड 14 की पार्षद रेखा रानी ने आरोप लगाए हैं कि उनके साइन बोर्ड है उसको उखाड़ने की कोशिश की गई है नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा, और वो कर्मचारी भेजे गए हैं प्रधान सेवाराम सैनी के द्वारा। इन सब आरोपों पर सफाई देने के लिए खुद मौजूद है हमारे साथ प्रधान सेवाराम सैनी। सर, आरोप लगाए जा रहे हैं पार्षद के द्वारा कि आपने उनके बोर्ड को खुदवाने के लिए कर्मचारी भेजे, क्या कहना चाहेंगे? यशपाल जी, इस प्रकार का जो ये मामला है, वार्ड नंबर 14 के कुछ लोगों की शिकायत आई थी जी। 2-3 बार पहले काफ़ी लोग इकट्ठे होकर आए, उसके बाद रिटर्न में शिकायत आई जी। उन्होंने जो प्रधान पर कर्मचारियों पर अनाप शनाप बयान जो लगाए हैं, इनके रेटों के बारे में, क्वालिटी घटिया के बारे में, मतलब जी। तो उसके बारे में हमने एक नोटिस जारी किया था भाई, 14 वार्ड के लोगों को जो बोर्ड है जी। वो एक बार नगर पालिका में लाकर उसकी लैब से जांच करवाई जाएगी। और कोई मामला ऐसा नहीं है कि हमने किसी, वो 14 वार्ड में ही वो बोर्ड के लिए क्यों भेजे गए, क्योंकि उस वार्ड के ही ज्यादातर लोग आए हुए थे, मतलब जी, जी। उनके ही साइन एप्लीकेशन पर, 14 वार्ड के व्यक्ति द्वारा एप्लीकेशन पर उनके ही साइन है जी, जी। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है किसी पार्षद का बोर्ड के बारे में, मतलब जी। पहले भी 1-2 पार्षद के जो बोर्ड है खराब करवा दिए, मतलब किसी ने काट दिया, वो भी हम ठीक करवा रहे हैं, मतलब बिल्कुल। तो क्यों बार बार आप पे वो आरोप लगाए जा रहे हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जा रही है, हम ऐसी समाज से हैं तो हमें टारगेट किया जा रहा है, ऐसे आरोप क्यों? यशपाल जी, ये जो पार्षद हमारी है रेखा रानी जी, इनके जेठ जो कृष्ण कुमार वार्ड में देख रेख करते हैं, जो सारा होल्ड वही करते हैं जी, और सारा शहर जानता है जी, कितना चरित्रवान आदमी कृष्ण कुमार है जी। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि कितना अच्छा आदमी, कितना बड़ी आदमी, कितना भला आदमी वो है, और सेवा सिंह कितना कैसे चरित्र का आदमी है। 2-3 बार इसने उधारे पैसे भी लिए हमारे से, जब हमने ये पैसे मांगने के लिए कहा जी। 1-2 पार्षद साथी मेरे पास बैठे हुए थे, मजबूरी में कोई भी काम चला देता है किसी का, वो कोई मामला नहीं है, लेकिन जब वो उसकी हमने डिमांड की जी। वापसी देने की, तो ये इस तरह के बयान लगाकर अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। बिल्कुल। तो एक और उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके वार्ड से लाइटें भी उतरवाई गई हैं, उन्होंने 2 लाइटें कही हैं कि उतारी गई हैं, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि उनके वार्ड में सफाई कर्मचारी को नहीं भेजा जाता, मानसिक प्रताड़ना से वो लोग गुजर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। यशपाल जी, प्रधान नगर पालिका स्पीडो लाइट लगवाने में खुद जाकर लाइटें लगवा रहे हैं हर वार्ड में, और स्पीडो की जनता से एक वादा किया है कि हर खंभे पर, हर पोल पर, हर गली रोशन होगी, हर पोल पर लाइट लगाई जाएगी जी। तो ऐसा कोई किसी प्रकार से मामला नहीं है, और जहाँ तक सफाई वाला मामला है तो कर्मचारियों की कमी है, जिस तरह और वार्डों में सफाई हो रही है उसी तरह इस वार्ड में भी सफाई का काम सुचारू रूप से चल रहा है। आज ही अगर बात की जाए, उन्होंने सुबह सोशल मीडिया पे एक अपना बयान डाला है, उसमें उन्होंने कहा है कि उनको इतना मानसिक प्रताड़ित किया गया है कि वो आत्महत्या तक करने की सोच रहे हैं। तो क्या कभी इस तरह की कोई आपके द्वारा या आपके स्टाफ के द्वारा कुछ उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया है कि उनको इतनी मानसिक प्रताड़ना हो? यशपाल जी, पिछले कई महीनों से न तो मैं पार्षद से मिला हूँ, नई पार्षद का जो पति है या जेठ है उनसे मिला हूँ जी। ये केवल एक ढोंग रच रहे हैं जी। किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, इस मामले की सच्चाई जानी जाए, जांच करवाई जाए, और हर प्रकार से हम इस मामले में जांच में सहयोग करेंगे। अगर जो जांच में गलत पाया जाता है तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जाए। जो आदमी झूठ बोल रहा है और बेकार के ड्रामेबाजी कर रहा है जी। और सब, अगर आप इसमें कहीं ना कहीं अगर आपका हाथ मिलता है या आप दोषी मिलते हैं, तब आपके लिए क्या सजा होनी चाहिए, वो भी मैं चाहूंगा कंचन टीवी के माध्यम से आप जनता को बताएं। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो हर प्रकार की मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, जनता जनार्दन से, जनता के लिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे प्रधान सेवाराम सैनी, जो कहते हैं कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीति से ओतप्रोत हैं। वो ना तो पिछले काफी वक्त से उनसे मिले हैं, कुछ उनका पैसों का लेन देन था शायद, इस करके भी वो इन पे आरोप लगा रहे हैं। और बात रही बोर्ड को उखाड़ने की, तो वो कह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन आई थी, उस एप्लीकेशन के बल पे ही वो उस बोर्ड की जाँच कराना चाहते ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पर ये तो मामला कुछ और ही बन गया और इन पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जिनका इन्होंने आज कंचन टीवी पर आकर सफाई दी है, ताकि वो अपने आप को पाक साक साबित करना चाहते हैं, अपने अपने पर लगे आरोपों को वो गलत बताते हैं। प्रधान जी, हमसे बात करने के लिए, कंचन टीवी की टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद यशपाल जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी दो की जनता विकास के लिए जो राह देख रही थी वह विकास सफेदों में शुरू हो चुका है। कुछ लोगों को यह सफेदों का विकास सहन नहीं हो रहा है। मेरे पार्षद भाई, लगभग मेरे साथ 17 पार्षद, 19 हमारे लगभग टोटल पार्षद हैं, 17 पार्षद कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और वो हर प्रकार की सच्चाई जानते हैं। उनसे भी इंक्वायरी की जाए और सच्चाई को जाना जाए कि मामला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेवाराम सैनी जी का कहना है कि पार्षदों से बात की जाए या बाकी और जो स्टाफ है उनसे बात की जाए, और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, ताकि शहर को पशुपेश में ना रखा जाए। जो विकास वो कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं पटरी से उतारने के लिए ये सब वो ड्रामा बता रहे हैं, रचा गया है। कंचन टीवी के लिए कैमरामैन संजय खेड़ा के साथ मैं यशपाल कंचन।